यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। आप देख रहे हैं देश की आवाज। आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसी खबर की बात करने जा रहे हैं जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल कालका से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को इतना पीटा कि उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान पड़ गए। और इतना ही नहीं, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक पिता अपनी बेटी के ऊपर पूरा वजन देकर बैठ जाता है और उसे दबाकर पीटने लगता है। ये पूरा मामला 19 जून का है, जब पैसे की मांग को लेकर ये बेरहम पिता अपनी पत्नी और बेटी की पिटाई कर रहा था। तब इस नाबालिग की मां ने किसी तरह से अपनी जान बचाकर शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इस नाबालिग को बेरहम पिता के चंगुल से बचाया। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन यहां ये सवाल तो उठता है कि आखिरकार सामाजिक तौर पर हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। एक पिता अपनी नाबालिग बेटी को आखिरकार इस तरीके से कैसे पीट सकता है, इस पर आज आप अपनी राय दे सकते हैं और आप बता सकते हैं कि इस कलयुगी बाप को क्या सजा दी जाए। तो आज के सवाल आपको बता देते हैं, बेरहम पिता का ये खौफनाक चेहरा आप देख सकते हैं और इसी के साथ नाबालिग बेटी के साथ ये किस तरह का सलूक है, कलयुगी पिता की करतूत पर आज आप अपनी राय दे सकते हैं और ऐसे बेरहम पिता को क्या सजा देनी चाहिए, आपकी क्या राय है। और इसी के साथ कार्यक्रम के पहले दर्शक राकेश आगरा से इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपनी राय दीजिए राकेश। मैम, ऐसे जो ये पिता जो आप दिखा रहे, तस्वीरों जो आप दिखा रहे हैं, कितनी बेरहमी से इसने मारपीट की है जो अपनी बेटी के साथ में, ऐसे पिता को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और ऐसे पिता के ऊपर नया एक कानून बनना चाहिए जो ऐसे आगे में कोई पिता अपनी बेटी पर ना करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। और आगरा से ही अगले दर्शक अजय इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपनी राय दीजिए अजय। तो लगता है संपर्क टूट गया है और आज के बड़े सवाल भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि ऐसे बेरहम पिता के साथ आखिरकार क्या कदम उठाना चाहिए। आप ये तस्वीरें भी लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये पिता अपनी बेटी को लगातार मार रहा है, पीट रहा है और उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान तक पड़ गए हैं। यहां पर आपको बता दें कि एक बेटी एक घर के लिए एक चिराग होती है, वो घर को रोशन करती है और ऐसे में जब पिता का ऐसा चेहरा सामने आता है तो बिल्कुल बहुत शर्म की यह बात है। और रोहतक से अगले दर्शक राजकुमार इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपनी राय दीजिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। दाता तेरे बंदों के सितम कैसे कैसे, जन्म देने वाले माता पिता मरे आज बेटियों के हाथ कैसे। जी। बैशी दरिंदे कर रहे बेटियों पे जुल्म ऐसे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सपने सच होंगे भला कैसे। जी। भारत माता भी आज रोती है देखो। जी। पैदा हो गए उसके कपूत कैसे कैसे। थैंक यू मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ नागेंद्र सिंह नेगी हिमाचल से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय दीजिए। हेलो जी, अपनी राय दीजिए। कीर्ति जी नमस्कार, नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ, सरकाघाट मंडी हिमाचल प्रदेश से। जी मैडम, ये तो हद है, इसको तो कलयुगी बाप नहीं बल्कि कह रहा हूँ इसको तो जल्लाद कहा जाना चाहिए। तो बाप क्या शब्द का इस्तेमाल करना ही इसके खिलाफ गलत है। जी। और जिस तरह से ये बेरहमी से इस बच्ची को, मासूम बच्ची को पीट रहा है, मार रहा है, वो तो ऐसा लगता है कि ये इसका मानसिक संतुलन ही इस व्यक्ति का खराब हो चुका है। इसके विवेकहीन है ये व्यक्ति, संवेदनहीन है और माँ बेटी के बाद उसके बाद माँ को भी मारा। और ये मैडम इसकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए और पुलिस वालों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि कदम उठाए जाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ अगले दर्शक सत्यवीर जींद से इस कार्यक्रम में जुड़ गए, अपनी राय दीजिए। जी अपनी राय दीजिए सत्यवीर जी। ऐसा है जी, ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है ना, आदमी पीट रहा अपनी बिटिया को, मेरा इस विषय में एक विचार है, इस आदमी को कोई
साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो चुकी है जी, इसके बस की बात नहीं है जी, इसको कोई सजा नहीं देने की बजाय इसका डॉक्टरी इलाज कराया जाए जी, ताकि समाज में किसी और की तरफ इस तरह का कोई होना बिल्कुल ऐसे में इलाज होना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। और दिनेश मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश अपनी राय दीजिए। थैंक यू मैडम जी। हेलो जी जी, अपनी राय दीजिए, आप इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। ओके थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर बच्चों बच्चियों किशोरों किशोरियों सभी के लिए तमाम एक्ट बने हुए हैं जी। बच्चों बच्चियों के लिए बाल संरक्षण आयोग और ये सब, लेकिन आप देखिए पूरे देश में हर जगह कि बच्चे बच्चियों को बसों में ट्रेनों में इनको सिर्फ समारोहों के उत्सवों के लिए जो है उपयोगी समझा जाता है। वास्तव में इनके साथ जो पीड़ा है, इनको जो संरक्षण देना चाहिए उस ओर किसी का ध्यान नहीं है। बिल्कुल, तस्वीर बहुत ज्यादा बुरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ चांद पराशर हमारी अगली दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गई है, अपनी राय दीजिए। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। जो बच्चे जो पेरेंट्स बच्चों के साथ ऐसे करते हैं उन्हें बच्चों से मिलने ही देना चाहिए, बिल्कुल आउट कर दो बच्चों को, ऐसे पेरेंट्स को। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ अजय अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपनी राय दीजिए। जी मैम, मेरा कहना यह है कि बच्चों को समझाना अच्छी बात होती है, लेकिन मारने से तो अच्छा है ना। बिल्कुल, बच्चों को समझाया बुझाया जा सकता है जी। हाँ समझाया जा सकता है, प्यार से बैठा के वो बात समझ में आ जाती है, मारने से कुछ नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से ये बेरहम पिता अपने नाबालिग बच्ची को पीट रहा है, और यहाँ पर बेटियों को बेशकीमती हीरा कहा जाता है और कुदरत का एक बेशकीमती तोहफा कहा जाता है, और ऐसे में ऐसी तस्वीर बिल्कुल निंदनीय है। और ऐसे में आज आप अपनी राय दे सकते हैं कि ऐसे बाप के साथ ऐसे पिता के साथ आखिरकार क्या किया जाना चाहिए। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से इस बेटी को लगातार ये बेरहम पिता मार रहा है और थप्पड़ों के निशान इस बेटी के गाल पर छप गए हैं। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, आज के सवाल भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। आखिर कैसा समाज हम बना रहे हैं, आज किस समाज की ओर जा रहे हैं, क्या ये सभ्य समाज की तस्वीर है और कैसा समाज हम बना रहे हैं। बेरहम पिता का ये खौफनाक चेहरा है, बिल्कुल ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से ये पिता अपनी बेटी को मारते हुए नजर आ रहा है। हालांकि पिता की सबसे प्यारी होती है बेटियां, और ऐसे में ऐसी तस्वीरें ये बयां करती है, बिल्कुल रिश्तों को शर्मनाक प्रस्तुत करती हुई नजर आ रही है। और आज के बड़े सवाल भी आपको बता रहे हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, इन नंबरों के द्वारा आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि इस बेरहम पिता के साथ आखिरकार क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, और इस बेरहम पिता ने अपनी बच्ची को आखिरकार क्यों इतना मारा। और इसी के साथ सहारनपुर से अगले दर्शक अनिकेत इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपनी राय दीजिए। जी अनिकेत आप इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपनी राय दीजिए। दिस इज रॉन्ग। अनिकेत टीवी की वॉल्यूम कम करके आप अपनी राय दे सकते हैं, कार्यक्रम में जुड़ गए हैं आप। दिस इज रॉन्ग। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो यहाँ पर दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं और इसे गलत बताते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निंदनीय है ये तस्वीर जहाँ पर एक पिता अपनी बेटी को इतनी बेरहमी से मारता है, और ये बेटी बहुत छोटी है, नाबालिग बताई जा रही है, और यहाँ पर लगातार बाल पकड़ के उसे लगातार चाटे जड़े जा रहे हैं। तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इन तस्वीरों को देख करके आप एक बार सोचिएगा इस पिता के साथ आखिरकार क्या किया जाए, और फिर आप अपनी राय इस कार्यक्रम में दे सकते हैं। और हिमाचल से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतीश। सतीश जी अपनी राय दीजिए। अपनी बेटी को मार रहा है ना मैडम जी, इसको भी उतनी सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए इस बाप को। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो यहां पर दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। और यूपी से अमित अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अमित जी अपनी राय दीजिए। अमित जी आप इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, टीवी की वॉल्यूम कम करके आप अपनी राय दे सकते हैं। जी मैडम, जैसे कि देखा जा रहा है कलयुग है, कलयुग पिता अपनी नाबालिग बेटी को बेरहमी से पिटाई कर रहा है, ऐसे जेल की सजा को कैसे डालना चाहिए ताकि निकल सके। जी
बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और इस तस्वीर को बेहद निंदनीय बता रहे हैं और सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं, राय लगातार आ रही है दर्शकों की ओर से। और मुरादाबाद से अगले दर्शक सरफराज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरफराज खान अपनी राय दीजिए। जी मैडम, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है और इस तरह का जो कुछ देखा जा रहा है इससे काफी शर्म आती है। हर चैनल पर, हर अखबार में यही सब देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो बिल्कुल आज ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार किस समाज की ओर हम जा रहे हैं, क्या ये सभ्य समाज की निशानी है। और नवदीप अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय दीजिए नवदीप। तो लगता है संपर्क टूट गया है। आज के बड़े सवाल लगातार आपको दिखा रहे हैं। नाबालिग बेटी की बेरहमी से पिटाई की जा रही है, आखिरकार कैसा समाज हम बना रहे हैं, क्या ये सभ्य समाज की निशानी है। जहां हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, वहां पर इस तरह की तस्वीर सामने आती है। और यूपी से अगली दर्शक सराहना हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय दीजिए। सराहना टीवी की वॉल्यूम कम करके आप अपनी राय दे सकते हैं, कार्यक्रम में आप जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि राय नहीं दे पाए हैं, तो यहां पर जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि पहले टीवी की वॉल्यूम कम कीजिए, इसके बाद अपनी राय दीजिए, ताकि आप भी आज देश की आवाज बन सके और अपनी राय दे सके कि इस बेरहम पिता के साथ आखिरकार क्या किया जाना चाहिए। और यूपी से नवदीप अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय दीजिए। नवदीप अपनी राय दीजिए। और इसी के साथ उत्तराखंड से रमेश अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, रमेश अपनी राय दीजिए। मैडम ये है ना, इनको जैसे ये बच्ची को मारे ना, इनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इनको भी। जी दे रहे हैं जैसे। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो यहाँ पर दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं और इस पिता के साथ आखिरकार क्या होना चाहिए, अपनी राय दे रहे हैं। बेरहम पिता के साथ आखिरकार क्या कदम उठाना चाहिए, इसके बारे में लगातार दर्शक जितने भी जुड़ रहे हैं अपनी राय दे रहे हैं और आज के बड़े सवाल भी आपको लगातार बता रहे हैं। और गाजियाबाद से सराहना अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, सराहना अपनी राय दीजिए। सराहना आप इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, टीवी की वॉल्यूम कम करके आप अपनी राय दे सकते हैं। जी ऐसे इंसान को तो बेल्ट निकाले और खूब धोए अच्छी तरीके से, मासूम बच्चे को, बेजबान बच्चों को। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो यहाँ पर कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं जितने भी ये दर्शक हैं और अपनी राय दे रहे हैं। तो यहाँ पर बेरहम पिता की एक तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, वो अपनी ही नाबालिग बेटी को किस तरह से पीट रहा है, तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं। और नसीब जाफरी अगले दर्शक हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपनी राय दीजिए। जी मैम, ये बहुत ही निर्दयी बात है। अगर कोई गलत काम बच्ची करती है तो इसको समझाना चाहिए, मारने से कोई बात नहीं बनती है। जी। और ये ऐसी घटना करके पिता इस तरह मार रहा है तो बहुत ही गलत काम कर रहा है अपनी बच्ची के साथ, किसी इसको पाला बड़ा किया और इस तरह मारने से साबित होता है बाप बहुत ही हैवान बाप है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ असम से अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए और अपनी राय दीजिए। मेरा नाम देव कुमार नाव है। जी ऐसे पिता को पहले बीच चौराहे पर मारना चाहिए, तो ये तो अच्छा नहीं कर रहा ना इतना छोटी बच्ची के साथ। तो इसके लिए उस पिता को कुछ ऐसा कानून करना चाहिए, अभी उसका पनिशमेंट होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो यहाँ पर कालका से ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर एक बेरहम पिता अपनी ही नाबालिग बच्ची को पीटते हुए नजर आ रहा है।
और मेरठ से अगले दर्शक चंद्रपाल इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। चंद्रपाल जी अपनी राय दीजिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं मेरठ से बोल रहा हूँ, जेल चुंगी मेरठ से जी। चंद्रपाल सिंह जी, ये जो मैं देख रहा हूँ ये अच्छी बात नहीं है। बच्चे को पीटना नहीं चाहिए, उसका उसके अंदर से भय खत्म होता है पीटने से। और मैं एक अपनी दुखद समस्या बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। एक मेरा पोता है 19-20 साल का है और 8 मई 2017 से गाजियाबाद में खोया हुआ है। आज तक जो है पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। 10 मई 2017 में रिपोर्ट दर्ज है सियानी गेट थाने में। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर आपकी आवाज उच्च अधिकारी सुन रहे हैं और आशा करते हैं कि आपकी मांग भी अवश्य पूरी हो। लेकिन आज का विषय जो है लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, एक पिता अपनी बच्ची को पीटते हुए नजर आ रहा है। और शिवपुर से अगले दर्शक कमल इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपनी राय दीजिए। हेलो जी, अपनी राय दीजिए। मैम मेरा कहना है कि बच्चों को समझाया जा सकता है, बुझाया जा सकता है, मारने से कुछ नहीं होता ना, ऐसे बच्चे और बिगड़ते हैं, ठीक है ना। ये कहना है मेरा, और बच्चों को काफी विशेष प्यार से समझाया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प भी अपनाया जा सकता है, बच्चे को प्यार से भी समझाया जा सकता है, मारना कोई विकल्प नहीं है। और अगर मारा भी जा रहा है तो बहुत ज्यादा बेरहमी से मारा जा रहा है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और लखनऊ से अगले दर्शक रामदत्त मिश्रा इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रामदत्त मिश्रा जी अपनी राय दीजिए। रामदत्त मिश्रा जी आप हमें सुन पा रहे हैं? तो चलिए संपर्क लगता है नहीं हो पाया है। और जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़िए, देश की आवाज बनिए, अपनी राय दीजिए कि इस बेरहम पिता के साथ आखिरकार क्या होना चाहिए। क्योंकि यहां पर अपनी ही बच्ची को वो पीटते हुए नजर आ रहा है और बेटियां किस्मत से मिलती है और जिसे मिलती है तो उसके साथ ऐसा किया जाता है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं और ये उसी कालका की तस्वीर है, उसी हरियाणा की तस्वीर है, जहां पर बड़े ही शानो शौकत से बीजेपी बार बार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और झारखंड से अगले दर्शक नवीन कुमार इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। नवीन कुमार अपनी राय दीजिए। हेलो जी अपनी राय दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा लगाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे पिताजी को जो है ना, आदमी को ऐसा ऐसे हंसे कटे आदमी को कमा के खा नहीं सकते, तो फिर ये बेटियों को पीटने से क्या इसको क्या मिलेगा जी, बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर पत्नी से पैसों की मांग के चलते यहाँ पर बच्ची को पीटा गया है और यहाँ पर ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो हष्ट पुष्ट दिखाई दे रहा है, कमाकर भी खा सकता है, बिल्कुल वाजिब कहा आपने। और मध्य प्रदेश से दिनेश अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपनी राय दीजिए। मैडम बेटियां तो जिंदगी भर वैसे भी साथ नहीं रहती हैं जी, बच्चों से हमें जो प्यार मिलता है अगर हम कितने भी तनाव में होते हैं तो उस तनाव से भी हमें वो मुक्त कर देते हैं। ये मुस्तंडा जो कर रहा है वो असहनीय और निंदनीय है, इसे परिवार और समाज से बहिष्कार होना चाहिए, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, हम हिंसक प्रवृत्ति के न बने, हमें जो है ये संकल्प लेना चाहिए बच्चे बच्चियों के लिए, जो है शादी के समय लड़के लड़कियों की प्रवृत्ति की बहुत देखभाल कर जांच करना चाहिए। खाली आजकल मुस्तंडों की शादी कर दी जाती है कि वो कहते हैं कि लड़की मिल जाएगी तो सुधर जाएंगे, इस प्रवृत्ति में परिवर्तन आ जाना चाहिए, क्योंकि उन लड़कों की कतई शादी नहीं होना चाहिए ना उन लड़कियों की जिनकी प्रवृत्तियां जो है ठीक नहीं है, हिंसक है, उनमें को समाज की समझदारी हो जाना चाहिए। मुझे समाज को समझदारी बरतनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। गुरुग्राम से अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपनी राय दीजिए। मैम ऐसे आदमी को समझाना तो मूर्खता होगी, ऐसे आदमी जो बच्चियों को बेटते इनका मुंह काला करके पूरे बाजार में घुमाना चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो यहाँ पर दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं कि इस बेरहम पिता के साथ आखिरकार क्या करना चाहिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बेरहम पिता अपनी बच्ची को पीटता हुआ नजर आ रहा है और बल्कि पूरा वजन दे करके इस बच्ची को पीटते हुए नजर आ रहा है। और बनारस से अगले दर्शक पंडित रविशंकर इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, पंडित रविशंकर जी अपनी राय दीजिए।
रविशंकर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम सुन रहे हैं जी, अपनी राय दीजिए। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक ऐसा कानून बनाया जाए। हेलो जी जी जी। हाँ मैडम मैं कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक ऐसा कानून बनाया जाए कि इस तरह के जो पिता हैं कि इनके ऊपर कम से कम 5 से 10 साल की इस तरह की इनको सजा दी जाए और इनको समाज में जो है पूरी तरह से बहिष्कृत किया जाए, ताकि इस तरह का कार्य करने के पहले बिल्कुल सख्त कानून बनने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। और इसी के साथ बालकृष्ण अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपनी राय दीजिए। तो लगता है संपर्क टूट गया है। और आज के बड़े सवाल भी लगातार आपको बता रहे हैं कि हम किस समाज की ओर जा रहे हैं, कैसा समाज हम बना रहे हैं। और गुड़गांव से रीना अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपनी राय दीजिए। नमस्कार मैम जी। नमस्कार मैम, मैं ये कहना चाह रही थी कि एक तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए बच्चों की तरफ जी, और दूसरा जो इसको कानून को सख्त किया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस भी इसमें कार्रवाई नहीं करती है जी। और हमारी जो महिलाएं हैं उनको भी अपने बच्चों के लेकर बहुत सख्त होना चाहिए। उनको अगर ऐसा कुछ भी होता तो उनको कमजोर नहीं होना चाहिए उस चीज में। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। देहरादून से जयराम अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जयराम जी अपनी राय दीजिए। हेलो जी जयराम जी, अपनी राय दीजिए। ऐसे बात तो सर गोली मार देना चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कर रहे हैं इस बेरहम पिता को। और ये तस्वीरें वाकई ही निंदनीय हैं। एक बाप अपनी ही बेटी को कितनी बेरहमी से पीट रहा है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और जबकि बच्ची के मुंह पर थप्पड़ों के निशान भी पड़ जाते हैं, बाल पकड़ के लगातार 1-2 चाटे जड़ दिए जाते हैं और पूरा वजन देकर इस बच्ची को पीटा जा रहा है। और हिमाचल से अगले दर्शक रमेश सिंह इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रमेश सिंह जी अपनी राय दीजिए। मैम इस सीन को देख के हमें बहुत ही दुख हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जी। लेकिन ये हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी इसमें रोल होना चाहिए कि जो एक आदमी इतनी निर्दयता से मतलब एक छोटे बच्चे को वो पीट रहा है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। और बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो यहाँ पर ये एक ऐसे समाज की तस्वीर है, ये एक ऐसे भारत की तस्वीर है जहाँ पर लड़कियाँ आज चांद पर जा रही हैं, लेकिन एक घर से ऐसी तस्वीर भी सामने आ रही है जहाँ पर एक बेरहम पिता अपनी ही बच्ची को बुरे तरीके से पीटते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर पूरा वजन डाल के इस बच्ची के ऊपर बैठ करके ये पिता उसके बाल पकड़ता है और थप्पड़ जड़ देता है। थप्पड़ के निशान भी बच्ची के मुंह पर पड़ जाते हैं। लगातार इतने दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने यही राय दी कि कड़ी से कड़ी सजा इस बेरहम पिता को मिलनी चाहिए। और ये उसी कालका की, उसी हरियाणा की तस्वीर है जहां पर बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है। तो तमाम दर्शक जितने भी इस कार्यक्रम में जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल नमस्कार।